गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं मॉर्निंग में फटाफट से फ्रेश हो गई बिकॉज बाबू को स्कूल छोड़ना है मुझे जाके, और उसके बाद पूजा भी करना है। तो पूजा मैं सोची थी पहले कर लूँगी, नहीं कर पाऊँगी बिकॉज बहुत लेट हो जाएगा। जा रही हूँ फटाफट से बाबू को मतलब रेडी करने, ऐसे खाना पीना तो हो गया दोनों बच्चों का, तो रेडी करके लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ दे चुकी हूँ, रेडी करके फटाफट स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी, फिर आप लोग से मिलती हूँ। मैं यहाँ पे बाबू को रेडी कर रही हूँ। रेडी करने के बाद बाबू को स्कूल ड्रॉप करके उसके बाद और जो काम है वो करूँगी मैं, और लंच बॉक्स तो दोनों को दे चुकी हूँ। लंच बॉक्स में मेरी बेटी को मैं बनाई मॉर्निंग में आटा का हलवा उसके लिए, उसको आटा का हलवा बहुत पसंद है, तो मैं सोचा आटा का हलवा ही बना देती हूँ उसको उसके लिए। और उसके बाद अभी पूजा नहीं हुआ है मेरा, मैं थोड़ा लेट से पूजा करूंगी बिकॉज शांति से पूजा करना अच्छा लेट हो जाएगा। क्या हाँ राइम्स का ना मम्मा, मम्मा जो मेरा आपको मेरा क्या ही मरता है आपको मेरा। हाँ बेटा आज मैं बेटी से पहले बेटा को स्कूल ड्रॉप करूँगी, नहीं तो हमेशा मतलब बेटा लेट रहता है स्कूल में, बेटी पहले जाती है। तो आज इनका बाइक नहीं निकला था बिकॉज स्टाफ भी लेट से उठा उठा नहीं था, और दोनों लगा हुआ था बाइक स्कूटी दोनों ही लगा हुआ है। मॉर्निंग के टाइम में ये भी बहुत सीरियस रहते हैं बिकॉज स्कूल का टाइमिंग रहता है ना बच्चा लोग का, तो जल्दी से ड्रॉप करना है, इसको वो करना है, ये बुक्स लिया है कि नहीं लिया है, कॉपीज लिया है कि लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, मतलब सिर्फ यही ध्यान में मॉर्निंग में चलता है और कुछ भी नहीं। इनका फेस देख के भी लग रहा होगा आप लोग को। उसके बाद मैं घर पर आई, आने के बाद ये देवर को ये लिक्कर टी पीते हैं, मिल्क टी नहीं पीते मॉर्निंग में, तो मैं उस सोची उनके लिए मैं बना देती हूँ। और यहाँ मैं हेयर्स को फोल्ड करके रखी हूँ, किचन में ओपन हेयर्स नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है किचन में ओपन हेयर्स रखना। जैसे आप करते हैं ना सेम आपको बेटा वैसे ही करता है, पूरा हेयर्स एकदम गीला है पता है, फ्री ओपन नहीं किए। क्यों किचन ओपन हेयर्स नहीं रखना चाहिए कभी भी? तो हेड कैप पहन ले, हेड कैप पहन लेती, अब जाएंगे रूम में ओपन करेंगे। ये अटक ही जा रहा है, अटक जा रहा है, बड़ा ज्यादा दे दियो, कम कम डालो, बड़ा साइज से प्याज हो गया, कम कम डालो, अटक गया बोले ना, कम कम डाल के करती ना तो नहीं अटकता, कभी भी कम डालो। वो ऐसा ही फ्री हो गया, पूरा फ्री हो गया। बोले शुरू में कम डालो, हाँ बस इतना का ही करो, पोज बना के करती है ना। और चावल फुला के रखे टमाटर राइस बनाने के लिए, सोयाबीन है, सोयाबीन डाल टमाटर राइस बनाएंगे, और पत्ता गोभी रखे हैं, ये सोच रहे बिना प्याज का बनाएंगे अलग से, और ये प्याज वाला, प्याज वाला कम बनाएंगे क्योंकि कल ट्यूजडे है, ट्यूजडे को सोच रहे हैं कि प्याज लहसुन कोई भी नहीं खाएगा कल हम। अभी आके बस थोड़ा देर पहले रेस्ट कर रही हूँ, मतलब कुछ कुछ काम मतलब रेडी कर चुकी हूँ सारा काम, बट हुआ नहीं अभी सारा काम, हम थक गए एकदम, बहुत थक गए। अब जाऊँगी फिर काम करूँगी, फिर गई स्कूल से बाबू को लाने। स्कूल का अभी मतलब अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहा है, 12:15 में हो जाते हैं छुट्टी बाबू की, और उसके बाद जा रही हूँ। अभी कॉल आया था देवर का कि भाभी बन गया क्या नहीं, तो मैं बोली थी उनको कि जब आपको खाना हो तब कॉल कर दीजिएगा मुझे, तो गरम गरम बना लेंगे, पहले से बना के रखने से फिर टमाटो फ्राइस वगैरह अच्छा नहीं लगता है। तो उनका कॉल आया तो मैं अब आगे किचन में बना के, उसके बाद बाबू तो अभी ट्यूशन पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ लेगा तो उसको सुला दूँगी, सुलाने के बाद मैं फिर
मोमो का तैयारी मतलब मोमो बनाने में लगूंगी, अभी मोमो नहीं बनाऊंगी। और सारा सब कुछ तो कट किया हुआ, बस टमाटो छोड़ के। मैं प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल में टमाटो राइस नहीं बनाती, वहाँ का टमाटो राइस कुछ अलग स्टाइल में होता है, जिसमें कि सरसों वगैरह भी कड़ी पत्ता डाला जाता है और टमाटो का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं टमाटो राइस में इतना सारा टमाटो नहीं डालती हूँ, बिकॉज इतना खट्टा फिर यहाँ पे सबको पसंद नहीं आते, वहाँ का एकदम अलग स्टाइल है। और मुझे पता नहीं क्यों वो स्टाइल बहुत अच्छा लगता है जो प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल का होता है। और यहाँ पे मतलब इन लोगों को थोड़ा गर्म मसाला प्याज वगैरह ज़्यादा पसंद है, और मैं ऐसे टमाटो राइस में सांभर मसाला डालती हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगता है सांभर मसाला से। और कभी नहीं रहा तो गर्म मसाला भी डाल देती हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ यही मसाला मैं डालूँगी। और थोड़ा सा ऑयल मैं मतलब बना रही थी, सब्जी तो ज़्यादा हो गया था तो मैं बाटी में निकाल के रख दी थी, तो वो भी डाल दी और ये भी डाल देती हूँ। और यही अच्छा है कि नॉनस्टिक कुकर रहने से ना चिपकता नहीं है कुछ जो बनाओ उतना ज़्यादा, और फिर नॉर्मल जो एल्युमिनियम का होता है उसमें एकदम चिपक जाता है। तो मैं इसमें बस वही दालचीनी इलायची लौंग तेजपत्ता का फ़ौरन दे के मैं बनाऊँगी, और इसमें बस प्याज की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा मैं देती हूँ। और सोयाबीन राइस मैं बना रही हूँ कि मतलब देवर को पसंद भी है सोयाबीन वगैरह, तो मैं सोचती हूँ सोयाबीन डाल दे तो अच्छे से खा लेंगे। अब कम से कम 5-10 मिनट तो लग ही जाएगा बनाने में। और यहाँ पे आंटी बर्तन वगैरह धोई थी तो उसको फिर अच्छे से अरेंज कर रही है बर्तन वगैरह। और मैं आंटी को अब बोलूँगी कि आते ही अब किचन में बर्तन वगैरह धोने से पहले किचन मतलब रूम को पहले क्लीन कीजिए, सबसे ज़रूरी है। सूर्य उदय होता है तो मतलब मतलब 12 बजे के पहले पहले आपका रूम का मतलब जो झाड़ू पोछा जो भी होता है उसको हो जाना चाहिए, 12 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। हम लोग का डेली 12 बजे के बाद ही आंटी लगाती है, तो मैं सुनी कि वो अच्छा नहीं होता है, तो आंटी को हैबिट डालूँगी कि आते पहले रूम में करेगी, उसके बाद किचन में जो करना है उसके बाद करेगी। और टमाटो राइस में घी मतलब डाल के घी में छौंको तो और ज़्यादा टेस्टी होता है, या फिर घी ऊपर से डाल दो, बट देवर नहीं खाते तो घी भी नहीं डाल सकती। तो देवर को लेके मतलब होता है वो घी नहीं खाते, दही नहीं खाते, दूध नहीं पीते, मतलब उनको डेयरी प्रोडक्ट एकदम भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और मैं इसमें यहाँ पर अदरक और लहसुन को कूट रही हूँ, तो अदरक लहसुन कूट के डालूँगी जिससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। और मतलब साउथ वाला स्टाइल का मैं बस यहाँ पे खाई हूँ प्रॉपर, मतलब चेन्नई में नहीं खाई। वैसे चेन्नई तो मैं शादी से पहले 2-2 बार जा चुकी हूँ, बट वहाँ पे मैं टमाटो राइस नहीं खाई थी, कर्ड राइस खाई थी, लेमन राइस खाई थी, और फिर डोसा वगैरह खाई थी बहुत सारे वैरायटी का, टमाटो राइस नहीं खाई थी। और जब मैं गई थी उस टाइम उतना फिर इतना समझ नहीं था, क्लास मतलब उस टाइम कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में थी मैं उस टाइम, तो उस टाइम मैं गई थी। एक बार तो घूमने का पर्पज़ से हम लोग गए थे मतलब मम्मी पापा के साथ में रामेश्वरम, तब मैं गई थी एक बार चेन्नई। और एक बार तो ऐसे ही मतलब सबका एक फुल बॉडी टेस्ट के लिए गए थे, तो पापा का हुआ था, माँ का भी हुआ, माँ का नहीं हुआ था सर फुल, मेन मतलब माँ पापा को लेके गई थी कि पापा को बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम होता था, तो दिखाने के लिए एक बार चेन्नई में दिखा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो तब से पापा का गैस का प्रॉब्लम ठीक हो गया, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा पापा को गैस होता था। वहाँ से चेन्नई से कुछ मेडिसिन वगैरह दिया, उसके बाद सारा प्रॉब्लम से दूर हो गया। अब इनका भी आने का टाइम हो गया, ये भी मतलब आज ब्रेकफास्ट करके गए, ओट्स खा के गए, पता नहीं इनको कभी कभी मूड हो जाता है ओट्स खाने का। पहले जब भी ये चैम्बर जाते थे ओट्स ही खा के जाते थे, फिर छोड़ दिए थे ओट्स खाना। अब फिर बोल रहे हैं कि एक काम करना तुम मॉर्निंग में डेली मेरे लिए ओट्स बना देना, मैं ओट्स ही खा के चला जाऊँगा। और बस ये आ जाएंगे तो ये नहीं खाएंगे, बिकॉज़ इनको आज पार्टी में जाना है शाम को, और ये बोल रहे हैं कि कंटिन्यू इतना ज़्यादा हो जा रहा है खाना पीना कि फिर मतलब बॉडी एकदम ख़राब हो जाएगा, ये वो बोलने लग रहे थे। तो मैं सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और बस हनुमान जयंती पर देखती हूँ कौन सा मंदिर मैं जाती हूँ। अब ये भी आ गया चैम्बर से और आके मेरे को देख लिया कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर चले गए। ये और किसी से बात भी कर रहे फ़ोन पे, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा इसलिए फिर कुछ नहीं बोले, अगर इंपॉर्टेंट कॉल नहीं रहता तो ज़रूर कुछ बोलते। और इनको पता भी नहीं है कि सूट हो रहा है, मैं ऐसे मोबाइल रख दी हूँ और ऐसे जगह पर मोबाइल रखी हूँ कि इनको ध्यान में भी नहीं आएगा, या कोई भी आएगा उसको ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि मैं मोबाइल रखी हूँ सूट करने के लिए। और मैं उनको वही देख रही थी कि है कि चले गए।
और यहाँ पे मैं प्याज फ्राई करी, प्याज रेड हो जाएगा उसके बाद सब्जी डालूंगी। उसके बाद इनका कॉल आया, मोमो वगैरह मैं बना चुकी हूँ, इनका कॉल आया कि राघव तुम फटाफट से नीचे उतरो, हम लोग चलते हैं गाड़ी लेके आने। गाड़ी का मतलब बहुत सारा पार्ट्स वगैरह लगाना था कुछ कुछ, अब अपने तरफ से होता है ना एक्स्ट्रा कुछ भी लगा सकते हैं, वैसे लगाना नहीं था। अब वो बीट जो बोला था ना ऊपर का, हाँ। वो मतलब ऐसा लगेगा जो अच्छा लगे देख के। हाँ वैसे ही, वो जैसे कि वो पूरा चिपका हुआ था ना, हाँ हाँ। उसका थोड़ा उठा हुआ होगा। काम की साइड जाएंगे हम लोग, देखते हैं। अभी तो बहुत रात हो गया है, थोड़ा से वक्त से काम भी हम के आगे से बड़ा पार कर के और वहीं पे टेंट में चाय वगैरह लगा लें, जो चौपाटी में चलाया जाएगा। किसमें? चौपाटी में। नहीं अच्छा लगा था, नहीं जाएंगे, चाय वहाँ पे चलेंगे, हम लोग फेवरेट प्लेस में, वहीं पे मिल जाएगा पार्किंग वहाँ पे सेवक साइड में। और यहाँ पे ये लोग वाई वाई खाएंगे और भी कुछ कुछ क्या लेंगे। उसके बाद जो मेरा फेवरेट प्लेस है यहाँ पे आए चाय पीने। घर आई मतलब थोड़े पहले ही आई, और आने के बाद जो मोमो बनाई थी वो तो मतलब हम लोग नहीं खाते, बस अजीत को दी थी मैं। हाँ बेटा, और उसके बाद फिर मैं फटाफट से मोमो गरम की, मैं पूजा सबको हम लोग मोमो खाए, और उसके बाद पूजा को मैं बोले चाय बनाने का, वहाँ चाय पी थी, फिर मन किया मोमो खाने के बाद चाय पीने का, तो उसके बाद फिर चाय बनवाई, फिर चाय पी, उसके बाद अब थोड़ा सा लेटी हूँ। तुम वो देंगे दूसरा, ठीक है बेटा, जब मम्मा पुणे आएंगे तब देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, तुमको भी देंगे। जीजू आ गए तुम्हारे, पूजा जा रही है, वो मम्मा का गिफ्ट है। कल पूजा जरूर आना, ठीक है, मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, ठीक है। पर कितना बजे से बस है तुम्हारा? पूरा हेयर से एकदम बिखर गया, ऐसे उठ गई मैं, लेटी हुई थी, रेस्ट कर। बाय, गुड नाइट अद्विक। बेटा मिलने आना मौसी से, ठीक है, पर जरूर आना, पापा को बोलना। मैं रेस्ट कर रही हूँ, नवीन का कॉल आया तो ये ड्रॉप आउट, ये और अजीत गए हैं, वे एक गृह प्रवेश में गए हुए, तो सब रेस्ट करते फिर बात करते हम लोग से। रुको बेटा दो मिनट बात कर लेते, सुना एक बार, पापा आ रहे बेटा। तो कल पूजा चली जाएगी बस से, मतलब बस से मैं बोल रही थी, गोरखपुर जाने वाली है वो रिसेप्शन में, शादी में नहीं गई बिकॉज बहुत गर्मी था इसलिए नहीं गई, बहुत दिन फिर रह जाना पड़ता, और अब जा रही है वो रिसेप्शन में, रिसेप्शन के बाद वहीं से डायरेक्ट फिर पुणे चले जाएगी। अब देखें वो आती है इस बार कि हम लोग जाते हैं इस बार पुणे। हाँ बेटा, और बस वही अजीत आए थे तो फिर बोल रहे थे तो घूमने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा उस साइड से घूमे, और ये वाई वाई मतलब एक प्लेट ही वाई वाई लिए थे दोनों जन, थोड़ा थोड़ा खाया लोग, और हम लोग तो नहीं खाए बिल्कुल भी, मन नहीं था, एक तो एक जहाँ मिलता वहाँ मन नहीं करता है खाने का बिल्कुल भी, तो इन्हीं लोग खाए। और चाय तो मेरा मतलब मुझे जहाँ पसंद है वहीं चाय मतलब पी जाने से पीती हूँ, नहीं तो शुगर वाला चाय तो मैं कहीं भी नहीं पीती हूँ। तो वहाँ पे बेटा नहीं करो सोना, ऐसे हेयर्स ख़राब हो रहा है सोना, रफ हो जाएगा बच्चा, नहीं से खराब नहीं हो सोना, नहीं पर इतना बैंड बजा हुआ है ना, मतलब पूजा को बहुत तरस आता है मेरे पर, बोले थोड़ा सा सो लिया करो, मतलब जो सुबह से मैं उठती हूँ एक सेकंड का भी बेड पे सांस लेने तक का चैन नहीं रहता है मेरा, इतना बैंड बजा रहता है सुबह से उठने के बाद, कितना भी मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, चलो स्कूल गया, फिर एक टेंशन आउच टेंशन बना रहता है कि हाँ लंच नहीं बनाई, फिर बच्चा लोग आएगा उन लोगों को पीछे लगना पड़ेगा, इन लोग थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए ना तब थोड़ा जाके शांति मिलेगा। और मेरी बेटी का स्कूल थोड़ा सा मतलब अभी तो 2 बजे तक 2:30 बजे तक आ जाती है, जब 3:30 बजे तक आएगी फिर ये भी बड़ा स्कूल में चला जाएगा, इन लोग समझदार हो जाएगा खाने पीने लगे खुद से, तब जाके थोड़ा सा रेस्ट मुझे मिलने लगेगा, तो उसके पहले तो कोई रेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है। और चलो छोटा छोटा है तो अभी करती हूँ खिलाती, मैं बड़ा होगा तो खुद से तो खाने पीने लगेगा ही, तो एक सबका फेस आता है लाइफ में इस टाइप से। तो पूजा बोलती है पुणे आओ, तो सबसे पहले मैं तुमको पता है मेरे को बोलती है वहाँ पे सोने के लिए छोड़ देंगे,
जितना मन कर उतना सोते रहो, भले खाना कम खाना सोना ज़्यादा, सच में सोना बहुत ज़रूरी है। किसके साथ आई हो? मामू। पापा नहीं ले गए थे लेने? नहीं। पापा कहाँ कहाँ है? अरे होमवर्क हो गया? नहीं हुआ? नहीं। क्या कर रहे थे? कर रही थी। ठीक है पापा पूछेंगे, खुद समझना। हिंदी का तो हो गया। कुछ खाई पी हो कि नहीं? हिंदी का तो हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ। ठीक है पापा हेयर खुद चेक करेंगे। ये मेरा हेयर इसको तब से टालने जा रहा है। अरे बेटा दर्द हो रहा है, बेटा बहुत दर्द हो रहा है, सोना दर्द हो रहा है। पापा आ रहे, मौसी को छोड़ने गए बेटा। मौसी तो नीचे अकेली है। अकेली नहीं, पापा को वेट कर रही होगी। कहाँ? मौसी अकेली नीचे खड़ी है। हाँ मामू के साथ। रुको रुको रुको, हम बात करें। ये मेरे को फोन किए कि कुछ पूजा को देना था, वो देने के लिए, और मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, ध्यान ही नहीं आया कि पूजा को मैं बोल दूँ कि नहीं, अभी तक आए नहीं है। पूजा वेट कर रही है नीचे जाके, तो मैं फिर इनको कॉल की। क्या हुआ बेटा, मुँह में हाथ नहीं देता सोना? तो पूजा वेट कर रही है तो मैं इनको कॉल की, बस ये पहुँचने वाले हैं। फटाफट बेटा होमवर्क कर लो सोना, जाके जाओ कर लो बेटा, जाओ गुड गर्ल हो ना, अभी भी टाइम है। कितना बज रहा है? कुछ खाई हो कि नहीं? पिज्जा खाई हो? हाँ। नानी मंगाई? हाँ। और दूध पियो? दूध कौन दिया? नानू। सो गाइस, मैं ब्लॉग में एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।